अभी अभी खंडेला के उदयपुराठी रोड स्थित चामुंडा माता होटल से 200 मीटर आगे दायरा और गंगाराम की ढाणी के घुमाव में एक भीषण हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुरवाटी साइड से आ रही और स्पीड की पिकअप ने टेम्पू सवारों को मारी टक्कर। घटना के बाद से ही काफ़ी संख्या में लोग वहां पे उपस्थित और टक्कर मारने के बाद पिकअप पहुंची खाई में। देखिए आप वहां घटना की स्थिति, जो भी लोग वहां पे थे तमाम सभी लोगों ने कहा है कि यही वो जगह है जहां पे अक्सर हादसे होते हैं। साल में एक या दो बार इस भीषण हादसे इस जगह पे होते हैं। इस हादसे में बताया जा रहा है कि खंडेला से एक युवक था जो रामपुर की साइड जा रहा था और किराए पे टेम्पू लेके अपने घर जा रहा था। कब हुआ था हादसा? यह हादसा अभी 10 से 15 मिनट पहले का ही है। आए दिन इस घुमाव के ऊपर हादसे होते रहते हैं। मेरे देखते हुए कम से कम हर साल इसे 5 से 6 हादसे होते हैं, जिसके अंदर अनेकों जाने जा चुकी हैं। अभी भी जान गए बराबर ही है। एक टेम्पो चालक था जो बीजा सीधा जा रहा था, रॉन्ग साइड से पिकअप बताई जा रही है आ रही थी, पिकअप थी इधर। हादसा बहुत भयानक था। अस्पताल तो पहुंचा दिया है एम्बुलेंस के द्वारा, पुलिस कुछ ही देर में पहुंचती हुई होगी यहाँ पर। टेम्पू चालक मजदूरी टेम्पू चालक तोपचीवाड़े का बताया जा रहा है और अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, उनके परिजन पहुंचते ही होंगे यहाँ पर। कैसे हुआ था हादसा? ठीक है कि उदयपुरवाटी रोड की जो घुमाव है ना, यहाँ पे अक्सर हर महीने में यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये घुमाव बहुत खतरनाक है। इधर से आते हैं ना उदयपुरवाटी से कोई दिखता नहीं साधन, खंडेला तरफ जाते तो दिखता नहीं है। तो जो भी ये PWD के अधीन आती है, नगर पालिका अधीन आती है जगह, तो PWD या अन्य अधिकारी को मौका दे के इस घुमाव का सुधार करना चाहिए। इसको इस जगह बीच में डिवाइडर दे के उसको चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे होता ही रहता है। मैंने में एक दो बार तो होता ही रहता है, बाइक तो डेली पड़ती रहती है।